हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक सामोल। मेरे पास है माइक्रोमैक्स का Q427। ठीक है, तो कैसे इसको आज फ्लैश करेंगे, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे इसको फ्लैश करना है। सेट थोड़ा ज़्यादा हैंग हो रहा है, ठीक है, तो इसको हम आज फ्लैश करेंगे। माइक्रोमैक्स का क्या है मॉडल, Q427। तो देखिए दोस्तों, आपको चाहिए इसका फ्लैश फाइल, तो आपको सिंपली टाइप करना है यहाँ पर गूगल पर माइक्रोमैक्स Q427 फ्लैश फाइल। ठीक है, यहाँ पर आ चुका है, देखिए यहाँ पर क्लिक कर लीजिए तो आपको पहले मिल जाएगा। यहाँ पर लिखा है देखिए farmerfile.com, आपको इस साइड में जाना है, क्लिक कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपको नीचे आ जा रही है फाइल, 1 GB का फाइल है Q427 वाला। इसको यहाँ पर क्लिक टू स्टार्ट डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ पर बैक कर लीजिए, फिर से ट्राई कर लीजिए। अब आ गया, जब आ जाएगा यहाँ पर mediafire.com तो ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, मैं पहले से इसको डाउनलोड कर चुका हूँ, देखिए यह रहा फाइल यहाँ पर। ठीक है, तो इसको राइट क्लिक करके हम कर लीजिए एक्सट्रैक्ट हियर। जब एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो आपको ऐसा वाला फोल्डर आ जाएगा ये, तो इसको आप ओपन कर लीजिए। ओके, तो ये आपका मिल जाएगा ड्राइवर, तो यहाँ पर लिखा है देखिए ऑटो इंस्टॉल ड्राइवर, इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर इंस्टॉल कर लीजिए, तो मैं आपको दे दूंगा कि मीडियाटेक का ड्राइवर दे दूंगा, आप उसको भी इंस्टॉल करना है। ठीक है, मीडियाटेक ड्राइवर, तो इसके अंदर ही आपको मिल जाएगा SP फ्लैश टूल, देखिए ये वाला टूल, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। नहीं तो हम क्या करेंगे, अभी लेटेस्ट वर्सन थोड़ा SP टूल को डाउनलोड कर लेते हैं। चलते हैं फिर से गूगल पर और यहाँ पर टाइप करेंगे SP फ्लैश टूल। ठीक है, यहाँ पर क्लिक कर लीजिए और यहाँ फिर चलेंगे यहाँ पर androidmtk.com पर, यहाँ पर androidmtk.com क्लिक कर लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर नीचे जब आएंगे देखिए यहाँ पर आपको लेटेस्ट वाला मिल जाएगा फ्लैश टूल। देखिए यहाँ बहुत सारा फ्लैश टूल है, ये है लेटेस्ट 5.1812। यहाँ पर इसको क्लिक कर लेते हैं हम यहाँ पर और यहाँ से इसको हम कर लेंगे यहाँ से इसको डाउनलोड। ठीक है, क्लिक हियर टू स्टार्ट डाउनलोड, यहाँ पर हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो थोड़ा टाइम लगेगा, आपको देखिए मैं दे दूंगा ADP ड्राइवर और मीडियाटेक का ड्राइवर, आप ये दोनों ड्राइवर को इंस्टॉल करना है, नहीं तो आपका फोन कनेक्ट नहीं होगा। और ये जो इसका अंदर जो ड्राइवर है उसको भी आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, स्मार्टफोन ड्राइवर, और आपका जो PC का पीछे लगाना है आपका डाटा केबल को, आगे नहीं पीछे लगाना है। ठीक है, तो अभी इसको हम पकड़कर बाहर ले आते हैं, यहाँ पर आ गया यहाँ पर। ओके, तो इसको करते हैं राइट क्लिक और एक्सट्रैक्ट हियर। तो देखिए यहाँ पर ये यह फोल्डर अभी हमारा आ चुका है यहाँ पर SP टूल, तो इसका हम इसको ओपन कर लेते हैं। अभी आपका आ गया टूल, ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर टूल अभी आपका ये आ चुका है। टूल आने के बाद आपको क्या करेंगे, यहाँ पर चलेंगे स्कैटर लोडिंग, अभी हम स्कैटर लोडिंग करेंगे। स्कैटर चूज कर लीजिए चूज और चलते हैं डेस्कटॉप पर जहाँ पर हमारा फाइल है माइक्रोमैक्स Q427 का ओपन। यहाँ पर फार्मर और आपको यहाँ मिल गया ना MT6735M एंड्रॉइड स्कैटर, इसको क्लिक कर लीजिए और ओपन आ गया आपका यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों, अभी आपको फ़ोन को कैसे कनेक्ट करना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहले इसको कर लेते हैं हम पावर ऑफ, और पीछे का कवर हम लगा लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपके रुकेगा डाउनलोड ओली में रुकेगा ऐसे। ठीक है, और यहां पर करते हैं हम डाउनलोड।
ठीक है। ऊपर यहाँ पर डाउनलोड क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, फोन तो आपका पावर ऑफ है ना, आपको क्या करना है वॉल्यूम प्लस को प्रेस करके आपको केबल लगा देना है। देखिए हमारे नीचे मेरा ड्राइवर ले चुका है अभी, पीछे से करते हैं स्टॉप, केबल को हटाते हैं। फिर से ट्राई करेंगे वॉल्यूम माइनस में, वॉल्यूम प्लस इसका बूट की नहीं है शायद, वॉल्यूम माइनस में ट्राई करेंगे। ठीक है, फिर से हम यहाँ पर करते हैं डाउनलोड, यहाँ पर क्लिक कर लीजिए डाउनलोड में। ओके, तो अभी हम वॉल्यूम माइनस को प्रेस करके केबल लगाते हैं। देखिए अभी डाउनलोड डी ए 100% अभी ले चुका है आपका, इसे देखिए अभी फ्लैशिंग आपका शुरू हो चुका है। ठीक है, ठीक है।
ओके दोस्तों, जब आपका ऐसे लिखेगा डाउनलोड ओके और राइट का सिंबल आएगा ऐसे, तो आपको अभी क्या करना है, आपको केबल को निकाल लेना है यहाँ से, ठीक है। तो अभी हम सेट को करेंगे ऑन। तो थोड़ा टाइम लगा आपको ये सेट पूरा सेटअप करने के लिए, ऑन होने के लिए। ठीक है, तो इसके आगे का सेटअप आप खुद ही कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, अभी 11 मिनट का वीडियो हो चुका है अभी, ठीक है। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।